नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। आज का एक स्पेशल एपिसोड है, ये मैंने खास तौर बनाया है दिवाली के मौके के लिए। ये एपिसोड है फील गुड योगा, है ना। फेस्टिव सीज़न की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम सबको बहुत अच्छा लगता है, ये एक फील गुड सीज़न है। फील गुड सीज़न जो ये त्यौहार आ रहे हैं उसके लिए फील गुड योगा भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको ना भूलें, क्योंकि योग आसन करने से एक बैलेंस बनता है, एक स्थिरता बनता है, और ये इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और जुलते हैं, तो हर एक आदमी की अलग अलग एनर्जीज़ होती हैं और वो एनर्जीज़ हमको सबको अफेक्ट करती हैं, है ना। आपने कभी देखा होगा कि किन्हीं लोगों के साथ आप मिलते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है, और दूसरे लोगों के साथ आप मिलते हैं तो आपको थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आती है, थोड़ी सी डाउन फीलिंग आती है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो हर एक आदमी अपनी खुद की एनर्जीज लाता है, तो ये जो एनर्जीज़ हैं तो आपको ये अफेक्ट ना करें, आप इन नेगेटिव एनर्जीज से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए योग एक सचमुच का शील्ड होता है। जब आप योग के आसन थोड़े बहुत करते हैं तो आपकी ऑरा इससे स्ट्रांग होती है, आपकी एनर्जी इससे स्ट्रांग होती है, आपकी ऊर्जा इससे बढ़ती है। तो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपको बचा के रखता है ये उनसे। तो आप ये सोचें कि योग जो है आपके लिए एक वैक्सीनेशन है, है ना, इस पूरी दुनिया की नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। तो जो योग करते हैं वो लोग, आपने देखा होगा, बड़े पॉजिटिव रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं कोई भी सिचुएशंस में। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, जो कभी जो एनर्जीज़ हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, योग आपको उनसे बचा के रखता है। तो योग आपकी खुद की पर्सनल एक शील्ड है, तो आप इसको ज़रूर करें। मैं ये डेफिनेटली एक चीज़ मैं मन में रखती हूँ कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ और मैं मिलजुल रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, तो मैं योग के थोड़े बहुत आसन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये योग के आसन मुझको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम लोग फील गुड आसनास देखेंगे। हम लोग ऐसे एपिसोड्स देखते हैं जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ऊर्जा बढ़ा के रखती है। चलिए, सबसे पहला आसन, एक ये दो आसन का कॉम्बिनेशन है और एक अच्छा वार्म अप प्रैक्टिस भी है। कैट काउ बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में, संस्कृत में हम उसको बोलते हैं मंजरी आसन और बीतला आसन, कैट पोज और काउ पोज। इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आप घुटनों पे आ जाएं, आप हाथ जो है अपने शोल्डर्स के नीचे और टोज को आप पीछे से जोड़ लें, तो ऐसी एक शेप बनती है बॉडी से, और यहाँ ऊपर और नीचे। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, और अच्छे से स्क्वीज करते रहें अपने एब्डोमेन्स को। यहाँ पे आपको स्क्वीज करके रखना है ना। थोड़े समय के लिए आप रुक सकते हैं यहाँ पे, अपनी नाभि की ओर देखें और इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इसको थोड़े समय के लिए करते रहें, और फिर इस आसन के बाद हम लोग तुरंत आएंगे अधोमुख श्वानासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आप ऊपर आ जाएं, अपने पैरों को आप हिप विथ अपार्ट रखें, अपने पाम्स को आप पूरे अच्छे से खोल के रखें, और अपने हील्स को मैट की ओर। यहाँ पे आप अपने सिर अपने हाथों के बीच में रखें और यहाँ पे आप होल्ड करें। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अपने हिप्स को पीछे ले जाते रहें, पीछे ले जाते रहें। आपको यहाँ महसूस होना चाहिए अपनी नीज के पीछे, हिप्स को और पीछे
जितना भी पीछे आप ले जा सकते हैं मैक्सिमम ले जाएं। यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, इसको आप होल्ड करें। अगर आप थकते हैं तो आप अपने घुटने पे आ सकते हैं और फिर से आसन का अभ्यास। ये एक बहुत सुंदर आसन है, एक पूरा फुल स्ट्रेच मिलता है आपकी बॉडी को और इसमें आपकी नाड़ियाँ खुलती हैं, नाड़ियाँ प्राण से भर जाती हैं। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, तो हमारी जब ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितना आप लंबे समय के लिए आसन में रहेंगे ठहरेंगे उतना ही ज़्यादा लाभदायक। और यहाँ से आप फलंकासन में आ सकते हैं और यहाँ से आप पालासन में आके रेस्ट। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ऊपर आ जाएं और यहाँ से पहले हम थोड़ा सा डायनामिकली आएंगे, छाती को खोलेंगे। जब हम अपनी छाती को खोलते हैं तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है माइंड में और बॉडी में। इसको आप डायनामिकली कर सकते हैं और अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो आप इसको होल्ड करें, बस इतना ही काफ़ी है। लंबा गहरा सांस, आप अपने हाथ अपने एंकल्स पे भी ला सकते हैं, छाती को खोलें, सिर को पीछे। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। और यहाँ से ऊपर आए वज्रासन में। और अगर कोई गर्दन में अड़चन आई है तो गर्दन को लेफ्ट राइट डाउन एंड अप, लेफ्ट राइट डाउन एंड अप। और फिर आप अपने लेग्स को सीधा ले आइए। हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, क्योंकि जब हमारे हमारे लेग्स में काफ़ी स्ट्रेस भर जाता है, हमारे लेग्स बहुत टाइट हो जाते हैं और इससे हमारा बैक पेन भी होता है, और जब ये होता है तो हमको बिल्कुल फील गुड नहीं होता है। तो हमारे लेग से स्ट्रेस रिलीज करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है सबके लिए। तो आप यहाँ ऐसा करेंगे, हाथ आप पहले साइड पर रख दें और दंड आसन में बैठ जाएँ। तो अगर यही आपके लिए काफ़ी है तो आप यहीं ऐसे ही यहाँ पर ठहरिए। अगर आप ज़्यादा जा सकते हैं तो हाथ को ऊपर और आराम से आप नीचे आए। और पहले हम लोग डायनामिकली करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम अपने शरीर को इशारा देंगे कि हम एक आसन करने वाले हैं। और मैं आज आपको एक पूरा सेफ तरीका बताऊंगी इस आसन करने का, क्योंकि बहुत कंप्लेंट आती है मेरे पास कि मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग करी और मेरे बैक पे मुझको पेन हो गया। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको मैं आपको कोई बैक पे नहीं होगा। यहाँ से अगर आपके हैंड्स रीच करते हैं तो बहुत अच्छा है, इतना ही काफ़ी है। आप बस नी कैप्स टाइट रखें और स्पाइन को सीधा रखें, है ना, कोई इतना भी काफ़ी है फॉरवर्ड बेंडिंग में। आराम से आप हल्का हल्का सामने आए। आपको ये देखना है कि आपका पेट जो है आपके जांघों के पास आ रहा है, आपको ये नहीं देखना कि सिर नीचे आ रहा है, नहीं ये गलत है। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो दो उंगलियां लीजिए, अपने दो टोस को पकड़िए और आराम से आप इतना ही नीचे आएँ, बस इतना ही काफ़ी है। और आप अपने नीज को नीचे पुश करते रहें और यहाँ पे होल्ड करें। लंबा गहरा सांस अंदर, पूरे छाती को खोलते रहें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा, और ऐसे आप फॉरवर्ड बेंड करें। ज़्यादा कोशिश मत करें, आप अगर उससे ज़्यादा नीचे ले जाएंगे ऐसे कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि बैक में एक आर्च बनता है और इससे बैक में पेन आ सकता है। तो यही काफ़ी होता है। यहाँ पे आप कोशिश करिए कि ठुड्डी आगे और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। ये एक सेफ इफ़ेक्टिव तरीका होता है पश्चिमोत्तानासन करने के लिए। बहुत एक सुंदर आसन होता है, आपके लेग्स को बिल्कुल लाइट कर देगा ये आसन। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर।
हाथ को ऊपर ले जाएं, हाथ को पीछे, इसका हम विपरीत करेंगे। पूर्व उत्थान आसन, आप अपने लेग्स को पास ले आएं और पहले डायनामिकली इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, और अब यहाँ पे होल्ड। हिप्स को ऊपर ले जाएं, सिर को पीछे, यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, फिर आराम से नीचे आ जाएं और आप थोड़ा सा रिलैक्स करें यहाँ पे। और अब आप अपने पीठ पे आ जाएं, यहाँ पे अपने अच्छे से हग करिए अपने पैर को। हम आएंगे अनंत बालासन में, अनंत बालासन, हैप्पी बेबी पोज। लेग्स को ऊपर ले आएं और हाथ को अंदर से पकड़ें और यहाँ पे थोड़ा सा लेग्स को नीचे पुश करें। यहाँ पे लंबा गहरा सांस लें। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये इस आसन को बहुत करते हैं और इस आसन को करके बहुत मुस्कुराते हैं वो, तो ये हमारे सब के सब कॉन्शियस में इंग्रेव्ड है ये आसन। अगर हम इसको करेंगे तो वो हमारी चाइल्डहुड की जो बहुत सुंदर मेमोरीज होती हैं वो आती हैं और उनको बहुत पीस मिलता है। आप यहाँ साइड टू साइड भी थोड़ा सा बॉडी को ले जा सकते हैं, साइड टू साइड। ये आपकी लोअर बैक को रिलीज़ करेगा, अगर कोई स्ट्रेस है तो आपकी पेल्विक और ग्रोइन को खोलेगा। हम अपने पेल्विस और ग्रोइन में बहुत सारा स्ट्रेस को बांध के रखते हैं, तो ये आसन पेल्विस और ग्रोइन को भी रिलीज़ करता है और बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पे एक सीट के नीचे एक पिलो भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई भी गर्दन में अड़चन आ रही है, और थोड़ा सा होल्ड करके रखें इस आसन को। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इस आसन को आप 2 से लेकर 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करते रहें अनंत बालासन को, हैप्पी बेबी पोज। और ये ध्यान रखना है कि हर आसन में लंबा गहरा सांस। वापस आ जाएं पवन मुक्त आसन में, ठुड्डी ऊपर और फिर नीचे। अब यहीं से आप हाथ साइड पे ले जाइए, दोनों पैर को आगे, और पहले हम डायनामिकली करेंगे दोनों लेग्स को लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। और फिर इसी को आप होल्ड करेंगे हम, तो अपने पैर को पास ले आएं और दोनों लेग्स को राइट साइड, अपनी सिर को आप लेफ्ट और ले आएं, और यहाँ पे अच्छे से आप ट्विस्ट करें और अपने लेग्स को आप छाती की ओर भी ला सकते हैं। अगर आपको लगा कि ये आपको ज़्यादा रिलीज दे रहा है स्ट्रेस का पीठ पे, तो कितना अच्छा है ये आसन। पूरी छाती खुलती है, पीठ खुलती है, जितना भी स्ट्रेस है अपर बॉडी में ये रिलीज होता है यहाँ से। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, ये आसन जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके बॉडी से पूरा स्ट्रेस निकालेंगे। और जब फिजिकली ये स्ट्रेस बॉडी से जब हम जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा लाइट फीलिंग आता है शरीर में। और वापस वही चीज़ दूसरे साइड, दोनों पैर आप अपने लेफ्ट साइड ड्रॉप करें, अपना सिर सीधी ओर, और यहाँ पाम्स जो हैं प्रेस करते रहें, और यहाँ पे आप लंबा गहरा सांस लें। अच्छे से आप यहाँ पे अपनी छाती को खोलें, अपना राइट शोल्डर को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें फ्लोर पे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। और अगर आपको बहुत फील गुड हो रहा है इस आसन में तो आप थोड़े समय रुके रहें, जितना आप लंबा करेंगे उतना ही अच्छा। जो बहुत आप जिन आसनों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आपके लिए ही बने हुए हैं।
जो आप आसन से आप जिनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उनको आप ज़रूर करें, लंबे समय के लिए करें और हम वापस आ जाएं। और अब हम करेंगे हमारा आखिरी आसन, सबसे ज़्यादा फील गुड आसन, वो है शवासन। तो आप अपने लेग्स को अच्छे से करें, थोड़ा सा नाइस एंड वाइड अपार्ट, ये नहीं कि पैर पास में, अच्छे से खोलें पैरों को, हाथ को अच्छे से खोलें, पाम्स आसमान की ओर, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर टेक्निक मैं आपको बताऊँगी कि आप हर एक बॉडी पार्ट को टेंस करेंगे फिर आप उसको रिलीज करेंगे। हम इसको साथ साथ करेंगे तो इसमें सब स्ट्रेस हम बॉडी से निचोड़ देते हैं। हम शुरू करेंगे हमारे टांगों से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वीज टोज, स्क्वीज 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 एंड रिलैक्स। फिर दोनों टांगों को हम ऊपर ले जाएंगे, लिफ्ट द लेग्स अप, स्क्वीज एंड रिलैक्स। अपने हिप्स को ऊपर, स्क्वीज एंड रिलैक्स। हाथ की मुट्ठी बनाएं, स्क्वीज, हाथ को लिफ्ट करिए, स्क्वीज एंड रिलैक्स। फिर हम अपने फेस को पूरा स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज स्क्वीज द फेस एंड रिलैक्स। एल्बोज को कान के पास, स्क्वीज 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 एंड रिलैक्स। फिर पूरी बॉडी को हम अपने हाथ को स्क्वीज, पैर को स्क्वीज, हिप्स को स्क्वीज, स्क्वीज एंड रिलैक्स। और अब एकदम से पूरी बॉडी को कितना अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है इस टेक्निक से, आप ज़रूर अभ्यास करें, अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे शव आसन में आप थोड़े समय के लिए बस लेट जाएं, आँख को बंद, सांस को लंबा। ये हमारा सबसे ज़्यादा फील गुड आसन है शवासन। आप बस यहाँ ये कोशिश करिए कि आप सो ना जाएं। आपको अपनी अवेयरनेस रखनी है अपने माइंड में। ये एक सबकॉन्शियस रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे, जहाँ हम नींद में नहीं, हम जगे होते हैं पर एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में हम आ जाते हैं। इससे इतनी शांति मिलती है, यहाँ हमारे मन को, तन को, हमारी कोशिकाएँ को, हमारी नाड़ियाँ को, सबको बहुत शांति मिलती है। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अपने पाम्स को रिलैक्स रखें, अपने फीट को रिलैक्स रखें। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। फिर आप पैरों को साथ ले आएं, हाथ को ऊपर, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। राइट साइड पे आ जाएं और आराम से ऊपर। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और मेरी ये उम्मीद है कि आपको फील गुड लगा इन आसनों के बाद। यही आसन है जो आपको एक बहुत सुंदर फीलिंग देंगे। ये मेरे खुद के खास फेवरेट आसन हैं। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।